नमस्कार, वेलकम टू इंग्लिश फॉर एवरीवन। माय नेम इज रतनलाल शर्मा। आज मैं आपको समय बताना सिखाऊंगा। समय कैसे बताना चाहिए ये मैं आपको बताने वाला हूँ, आइए सीखिए। समय बताना टेलिंग द टाइम। समय कैसे पूछना चाहिए, सबसे पहले तो ये देखना है कि समय पूछा कैसे जाता है। बार से करते हैं क्वेश्चन। व्हाट्स द टाइम, समय क्या हुआ है। व्हाट्स द टाइम बाय योर वॉच, आपकी घड़ी में समय क्या हो रहा है। ये तो हो गया क्वेश्चन। अब हमें उत्तर देना है अनेक तरीके से। ये तो क्वेश्चन एक बार आया, ठीक है, लेकिन बताने का जो समय, बताने का जो ढंग है, जो तरीका है, वो अलग अलग प्रकार से होंगे। आइए सबसे पहले हम शुरू करते हैं। आप कहना चाहते हैं 10:05 हुआ है, 10:05 हुआ है, तो आप कैसे बताएंगे। इट्स 5:10। इट्स 5:10 अर्थात 10:05 हुआ है। इट्स 5:10। आप पहले मिनट बताएंगे, उसके बाद फास्ट लगाएंगे, और उसके बाद में कितना बजा हुआ है वो आगे लिखेंगे। तो इस तरीके से अगर आप कहना चाहते हैं कि 7:20 हुआ है तो कैसे कहेंगे। आइए, इट्स 7:20, तो आप पहले क्या लिखेंगे। इट्स 20 minutes। इट्स 20 minutes, 20 minutes हुआ है। कितना बजकर, 7 बजकर ना, तो past 7, 7:20 हुआ है। अगर आप कहना चाहते हैं कि 7:15 हैं, तो अब इसे कैसे लिखा जाएगा, देखिए। It's quarter past seven. 7:15, अब क्वार्टर का मतलब है 15 मिनट। 15 मिनट का जो टाइम होता है उसको आप क्वार्टर कहते हैं। तो इट्स क्वार्टर पास्ट सेवन, यानी 7:15 हुआ है। इसके बाद में आप कहना चाहते हैं जैसे कि 7:30 हैं, तो आप कैसे लिखेंगे, कैसे कहेंगे। It's thirty past seven. 7:00 कितना हुआ है, 30। It's 30 past 7। It's 30 minutes। मिनट्स नहीं लगाए तो भी चलेगा इसमें। It's 30 past 7, यानी कि 7:30 हुआ है। इसका मतलब ये हुआ, अगर आप कहना चाहते हैं कि इसकी जगह आप हाफ भी लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, हाफ। यहाँ आप हाफ भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। It's half past 7, यानी 7:00, हाफ का मतलब है 30 मिनट, ठीक है ना, यानी आधा, यानी एक घंटे का आधा क्या हुआ, 30 मिनट। तो आप यहाँ हाफ कह देंगे तो चल जाएगा। तो It's half past 7, यानी 7:30 हुआ है, ये कहना चाहते हैं। अगर मान लीजिए आप ये कहना चाहते हैं कि आप कहना चाहते हैं कि 8:30 बजा है,
तो आप कैसे बोलेंगे, इट्स हाफ हाफ पास्ट एट, हाफ पास्ट एट यानी 8:30 हुआ है, हाफ पास्ट इट्स हाफ पास्ट एट, 8:30 हुआ है, कहने का तात्पर्य यह है। अब आगे देखिए, अब इसके अलावा मान लीजिए अगर हम कहना चाहते हैं कि यदि हम कहना चाहते हैं कि जैसे 9:35 हुए हैं, तो आप कैसे कहेंगे 9:35 हुआ है, तो फिर आप कैसे बोलेंगे, तो आप कहेंगे इट्स 35 इट्स 35 अब 35 बीच में डैश लगाना होगा, इट्स 35 पास्ट, अब 9 कर दीजिएगा, क्या करना है 9, तो इसमें 9, इट्स 35 पास्ट 9 यानी कि 9:35 हुआ है, 35 मिनट। अगर मान लीजिए आप एक अलग तरीके से कहना चाहते हैं तो आप ये भी कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि अब इसमें तो कहा गया कि 9:35 हुए हैं, अगर आप कहना चाहते हैं कि 10:25 शेष है, तो आप इस तरह से कहेंगे इट्स, अब 25 मिनट शेष है तो इट्स 20, इट्स 25, इट्स 25 जो अगर आप मिनट लिखें तो मिनट लिख भी सकते हैं, इट्स 25 मिनट टू 10 यानी कि 10 बजने में, ठीक है ना, ये हुआ इसमें। अब 10 बजने में कितना शेष है, कितना समय बाकी है अभी, इट्स 25 मिनट्स टू 10 यानी 10 बजने में 25 मिनट अभी बाकी है, यानी बजा नहीं है, 10 बजने में अभी 25 मिनट की देरी और है अभी। अगर आप कहना चाहते हैं कि 9:45 हैं, तो आप इस तरह कह सकते हैं इट्स 10, इट्स 10। अब देखना ये है कि इट्स 10 यानी 10 बजने में 15 मिनट शेष है इसमें, यानी क्वार्टर हुआ ये। अब क्वार्टर के बाद में 2 लिखें या फिर 5 लिखें, बात यहाँ आ रही है। तो आपको कितना बजकर कितना हुआ है ये बताना चाहते हैं, तो आप 5 लगाइएगा। अगर आपको बताना है कि कितना बजने में कितना समय अभी बाकी है, तो आप 2 लिखेंगे, 5 नहीं लिखेंगे आप, यहाँ ये नियम होता है इसमें। तो अब देखिए इसके बाद आगे, अगर आप कहना चाहते हैं कि 6 बजने में कुछ ही मिनट शेष हैं, तो फिर आप ये कहेंगे इट्स फ्यू मिनट्स, इट्स फ्यू मिनट्स टू 6, 6 बजने में कुछ ही मिनट शेष हैं, ये आप कह सकते हैं। अगर आप कहना चाहते हैं कि 6 बज गए हैं, तो फिर आप इस तरह से कहेंगे, क्या कहेंगे, इट्स 6 o'clock, 6 बजे हैं, इट्स 6 o'clock, 6 बजे हैं। इसके अलावा अब जैसे अगर आप कहना चाहते हैं कि दस दिन ये कहना चाहते हैं, तो आप यहाँ लिख सकते हैं, कह सकते हैं
इट्स ट्रे, इट्स ट्रे विनम्स, इट्स थ्री मिनट्स पास्ट। अब देखना है कितना बजा है, 10 बजकर यानी कि 3 मिनट कहना चाहते हैं तो इट्स थ्री मिनट्स पास्ट टेन, पास्ट टेन ही हुआ। अब अंत में आपको क्या लिखना पड़ता है, बाय माय वॉच यानी कि मेरी घड़ी में आप लिख सकते हैं बाय माय वॉच, लास्ट में ये जोड़ना पड़ता है आपको, यानी कि इट्स थ्री मिनट्स टू, थ्री मिनट्स पास्ट टेन, यानी 10 बजकर 3 मिनट हुआ है। अब उसके बाद में किसके बारे में लिखना होगा, बाय माय वॉच मेरी घड़ी में। किसी ने आपसे कहा कि वास्तविक टाइम बाय योर वॉच आपकी घड़ी में समय क्या हुआ है, आप यहाँ इन नहीं लिख सकते, बाय लिखना होगा या बाय बोलना होगा, ठीक है ना। बोलते समय क्या लिखते समय आपको बाय का ही यूज करना है, इन का यूज नहीं कर सकते आप। तो वाट्स द टाइम बाय योर वॉच आपकी घड़ी में समय क्या हुआ है, तो आप ये कहेंगे अगर बाकी ये समय बताना हो तो आप ये कह सकते हैं इट्स 3 मिनट्स पास्ट 10 बाय माय वॉच। अगर आप बाय माय वॉच नहीं कहना चाहते हैं तो आप इतना भी बोलकर अपना काम चला सकते हैं। तो आज का ये छोटा सा ही वीडियो था, आपको कैसा लगा, आप अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।